पिलामाने आजि आमे आलोकर प्रतिसरण विषय रे आलोचना करिवा तेनु पिलामाने भिडीओटी आरंभ करिवा पूर्वरु लाइक एवं शेयर कर दियो आउ जदि चैनल को संपूर्ण रूपे नुआ आसी थाओ तेबे सब्सक्राइब करिवा को भूलिबो नै तेबे चालंतु आउ डेरी न करि भिडीओटी आरंभ करिवा पिला माने देखो आमर टॉपिक अच्छी आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण तो यही टॉपिक रो एटा होची आमर पार्ट 7 वीडियो पूर्वर आमे 6 पार्ट रे ए टॉपिक को आलोचना करी सारिछु जदी सही वीडियो गुडी को ए पर्यंत देखिनाओ ताले मु ए वीडियो तोले थीबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दैछि से लिंक को क्लिक करी वीडियो गुडी को देखि दबो तो ए वीडियो रे आमे पढिबा आलोकर प्रतिसरण विषय रे बा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आलोकर प्रतिसरण कोन तो देखो आमे जानिछे स्वच्छ माध्यम रे आलोक कोन करे ना गोटे सरल रेखा रे गति करे किंतु तुमे केबे भाबिछो कि जते बेले आलोक गोटे स्वच्छ माध्यम रु अन्य एक स्वच्छ माध्यम को प्रवेश करे आलोकर गतिपथ किपरि होइथाय ना ताहाकु जानिबा पई आमर देखो दैनंदिन जीवन रे केतटी अभिज्ञता को आमे मने पकेइबा गोटे जड़पूर्ण थिबा बाल्टी को जदि आमे चाहिबा देखिबा कोन ना बाल्टी रो निम्न पृष्ठटी टिके ऊपर को उठिला परि जना पडुछि से भुड़ा जदि आमे खबर कागज ऊपर जदि मोटा आयताकार काचखंड रखी ता मध्य दे देखिबा ना तोळे थिबा अक्षर गुडी को ऊपर को उठिला परि जना पडुछि काच ग्लास रे थिबा जल भितरे आंशिक भाव रे बुडी रहितबा पेंसिल ओ जल ओ वायु रो व्यवधान पृष्ठ निकट रे बोंकेला परि जना पडुछि तो ए भुड़िया घटना गुडी को काहे की होउछि तो एपरि हमर काहे की हुए ना देखो जल स्तर रो ऊपरी भाग रे रहितबा पेंसिल रो अंश रु आलोक तुम आड़ को जेउ दिगरु आसुची ताहा तुलना रे जल मध्य रे बुड़ी रहितबा पेंसिल अंश रु आलोक तुम आड़ को अन्य दिगरु आसला परि जना पडुची तो एही कारण रु व्यवधान पृष्ठ निकट रे पेंसिल किछि विस्थापित हेला परि जना पडुची तो ताले ए जो हमर तीनोटी अभिज्ञता विषय रे देखिले सेतिरे हमर लास्ट जेउ थिला हमर जो काचो ग्लास रे थिबा जल भितरे आंशिक भाव रे बुड़ी रहितबा पेंसिल जल और वायु रो व्यवधान पृष्ठ निकट रे बंके जाउची तो याकू आमे आलोचना करी जानलु जे जल स्तर रे ऊपरी भाग रे रहितबा पेंसिल रो अंश रु आलोक तुम आड़ को जेउ दिगरु आसुची ताहा तुलना रे जल मध्य रे बुड़ी रहितबा पेंसिल अंश रु आलोक तुम आड़ को अन्य दिगरु आसिला परि जणा पडुची तो एही कारण रु व्यवधान पृष्ठ निकट रे पेंसिल किछि विस्थापित हेला परि जणा पडुची एबे एही चित्रटी को लक्ष्य करो ए चित्रटी रे कोन अछि ना पेंसिल टी जो अछि जल भितरे जो बुडी रहिछि तो ताहा ए भुड़िया सीधा न आसी ताहा बोंके हेला परि जणा पडुछि तो ये होछि तारो रियल पोजीशन किंतु देखा जाउछि हमको कि भुड़िया ना ए भुड़िया बोंके हेबारो माने जणा पडुछि तो एथिरो आमे जानु छै कोन पई होउछि ना ए आलोकर प्रतिसरण पई होउछि जदि आमे पेंसिल रे माने पेंसिल को आमे जल रे न बुड़ाई जदि आमे किरोसिन रे बुड़ाइबा ताले कोन हेबो ताले जल बदल रे जदि आमे किरोसिन रे बुड़ाइबा ताले कोन देखिबा ना प्रभाव रो मात्रा भिन्न भिन्न माध्यम जुगण पई अलगा अलगा होइताय ताले किरोसिन रे जदि बुड़ाइबा तार जो जति की बोंकाइबा कथा ता थारु कम बा अधिक बोंकाई पारे किंतु आ गुटे जदि आ गुटे तरल पदार्थ नेबा सेथिरे मध्य तार जो बोंकाइबार मात्राटी अलगा होइताय तो आलोक ताले गोटिए माध्यम रु अन्य माध्यम को गोला बेले समान दिगरे गति करे नाही ताले आलोकर प्रतिसरण कोन ताले आलोकर प्रतिसरण विषय में पढ़िले तो आलोकर प्रतिसरण होची ना आलोक तिर्यक भाव रे गोटिए माध्यम रु अन्य एक माध्यम को प्रवेश कले तार संचारण दिग द्वितीय माध्यम रे बदली जाउची तो ए परि घटना को आलोकर प्रतिसरण कहा जाउची तो आलोकर माने गोटिए माध्यम रु आमे को माध्यम रे आलोचना करूथले ना एठी आमे जो माध्यम थिला हमरो वायु तो वायु माध्यम रु आलोक कोठी को जाउची हमरो तरल माध्यम को जाउची तो तरल माध्यम को जाउची सेते बेले कोन होउची ना तारो गतिपथ परिवर्तन होउची बा बदली जाउची तो एहा को कहिबा आमे आलोकर प्रतिसरण एबे देखो पिला माने आमे पढिबा आयताकार काच स्लाब मध्यरे प्रतिसरण गोटे आयताकार काच स्लाब मध्यरे आलोकर किभली भाबरे प्रतिसरण होउची तो एही टॉपिक रो एटा होची तुमरो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस तो एठारु परीक्षा रे बारंबार आसुची तो आयत घनाकार काच भितरे आमरो आलोकर किभलिया प्रतिसरण होउची
तो यार पाई गोटे परीक्षा करवा देख ना राइट साइड रे गोटे चित्र को देख राइट साइड गोटे अच्छे आमर ए बी सी डी गोटे आयतकार काच स्लाब देख पार ए बी सी डी गोटे आयतकार काच स्लाब तो ये हूँ इओ आपतित रश्मि इओ एठी ई तो ये हूँ इओ आपतित रश्मि अर्थात ए आड़ को आम आलोक पकेलु तो ए बी पृष्ठपति तिरजक भाव में अ बिंदु पतित होने यहाँ इओ आलोक रश्मि को तिरजक भाव में अ बिंदु पकाऊँ क्या प्रति ना ए बी पृष्ठ प्रति तो ये हूँ ए बी पृष्ठ तो ए ना इओ को इओ जोड़ा से आपतित रश्मि ताको आम ए बी पृष्ठपति तिरजक भाव में अ बिंदु पतित कराऊँ तापर कौन हो देखो एन एंडेस देखी पार चित्र एन एंडेस तो एन एंडेस ए बी पृष्ठ प्रति ओ बिंदु अंकित लंब ये ए बी पृष्ठ प्रति एन एंडेस गोटे लंब अर्थात एन एंडेस को अभिलंब कहवा तापर देखो ओ ओडेस ओ ओडेस कौटा ना यू एति हूँ ओ ओडेस तो ये हूँ ओ बिंदु ये ओडेस बिंदु तो ओ ओडेस हूँ प्रतिश्रुत रश्मि तो जितेबाला आम एटा आपतित रश्मि तो ये कौन है ना यह प्रतिश्रुत है तो ये प्रतिश्रुत रश्मि ओ ओडेस से कौन हो ना एन एंडेस अभिलंब आड़ पाखे आसुची तो ये कौन हो चित्र को लक्ष्य कर आमर जो ओ ओडेस जो एन एंडेस अभिलंब ता आड़ को पाखे आसुची सी ए भाया जीवा कथा ए भाया सीधा न जाकि से कौन हो ना एन एंडेस अभिलंब आड़ को पाखे आसुची तापर देख कारण आलोक लघु मध्यम रु घन मध्यम को गति करुथवार अभिलंब आड़ को पाखे आसुची तो आमर एटा कौन थिला वायु मध्यम वायु गोटे हूँ लघु मध्यम तो ये लघु मध्यम रु जितेबाला घन मध्यम को आसुची ए माध्यम हूँ काच काच हूँ घन मध्यम जितेबाला आलोक लघु मध्यम रु घन मध्यम को प्रवेश करुची सेतेबाला तार प्रतिश्रुत रश्मि कौन हो ना अभिलंब आड़ को बंके जाऊँ तो ये हूँ आलोक लघु मध्यम रु घन मध्यम को गति करुथवार अभिलंब आड़ को पाखे आसुची तापर देख एम एमडेस रेखा एम एमडेस रेखा कौटा ना ये हूँ आमर एम एमडेस ये कौन हो ना ये डीसी पृष्ठ प्रति अभिलंब तो एम एमडेस रेखा सी डी पृष्ठ प्रति ओडेस बिंदु अंकित अभिलंब अटे अर्थात एम एमडेस गोटे अभिलंब तो से भाया ओ ओडेस प्रतिश्रुत रश्मि चित्र को आउ थे देख ओ ओडेस जो प्रतिश्रुत रश्मि सी डी ऊपर स्थित ओ ओडेस हूँ आम प्रतिश्रुत रश्मि यहाँ से कौन हो ना सी डी ऊपर स्थित ओ ओडेस बिंदु ठार पुनः प्रतिश्रुत हो ओडेस एच रूपे निर्गत हो तो सी आउ थे प्रतिश्रुत होकर ओडेस एच तो यहाँ हूँ आम ओडेस एच रेखा तो ये आलोक रश्मि निर्गत होडेस एच रूपे तो यहाँ आम कह निर्गत रश्मि क्या ना ओडेस एच को आम कह निर्गत रश्मि तो ओडेस ठार आलोक रश्मि घन मध्यम रु लघु मध्यम को गति करुवर अभिलंब ठार दूरे जाऊँगी चित्र को आउ थे देख ये चित्र कौन हो ना जितेबाला आमर ओडेस एच रश्मि से कौन हो ना ये घन मध्यम रु लघु मध्यम को आसुची तो काचरु से वायु को आसुची जितेबाला घन मध्यम रु लघु मध्यम को आसुची से अभिलंब जो थिला एम एमडेस ताठारु दूरे जाऊँगी सी ए भाया सीधा न आसिक तो दूरे जाऊँगी तो जितेबाला आमर आलोक घन मध्यम रु लघु मध्यम को जाए तो अभिलंब ठार दूरे जाए कि तार अपोजिट जितेबाला आमर आलोक लघु मध्यम रु घन मध्यम को आसुची से कौन हो ना अभिलंब आड़ को बंके जाऊँगी ताले आपतित रश्मि और निर्गत रश्मि मध्य व्यवधान को पार्श्व विस्थापन कहा जाए ये टे देखा आम ये हूँ आमर आपतित रश्मि यहाँ हूँ आपतित रश्मि ये हूँ निर्गत रश्मि तो आपतित रश्मि आउ निर्गत रश्मि मध्य व्यवधान ये हूँ आम व्यवधान ये मध्य यहाँ हूँ आम व्यवधान तो यह कहे पार्श्व विस्थापन अटे ताले एठी कौन हो ना आपतित रश्मि समांतर निर्गत रश्मि हेबो तो ताले आपतित रश्मि आउ निर्गत रश्मि परस्पर समांतर हेबे ए माने समांतर भाव रे गति करिवे अर्थात ए माने कोनोसी छेद करिवे नाही आपतित रश्मि आउ निर्गत रश्मि मध्य जो व्यवधान रही से सब बेले समान रहिबो तो अर्थात ए माने समांतर आपतित रश्मि आउ निर्गत रश्मि तो एठारे जदि आमे देखिबा
आई वन कोण से ताहा होची आपतन कोण। चित्र को लक्ष्य करो आई वन कोण, तो आई वन कोण होची ए कोण, ये होची हमरो आपतन कोण। आ गुटा हमें जदि देखिबा आर टू कोण बा हाँ आर टू कोण, तो सी होची हमरो निर्गत कोण। ताले ए जो आपतन कोण आ निर्गत कोण ए माने समान हेबे, तो ताले आई वन इक्वाल टू आर टू, ताले आई वन कोण आउ आर टू कोण ए माने समान हेबे। आई वन हला आपतन कोण, आई आई टू मध्य आपतन कोण, आर वन हला प्रतिसरण कोण एवं आर टू होची निर्गत कोण। चित्र को देखो आर वन होची प्रतिसरण कोण, तो ए चित्र रे होची आर वन, तो आर वन ए कोणटा होची एटा प्रतिसरण कोण, आर टू होची निर्गत कोण एवं आई टू मध्य आपतन कोण। ताले कहा है कौन ना आई वन सहित किए कौ कोण समान हबो ना आर टू कोण समान हबो, अर्थात आपतन कोण आउ निर्गत कोण समान हबो। एबे देखो आलोक प्रतिसरण दुईटी नियम, आलोक प्रतिसरण दुईटी नियम कौन अछि ना आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि ओ आपतन बिंदु ठारे दुईटी स्वच्छ माध्यमर व्यवधान पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब गोटिए समतल रे रहिबे। तो चित्र को जदि आमे लक्ष्य करिबा आपतित रश्मि एवं प्रतिश्रुत रश्मि एवं आपतन बिंदु प्रति अंकित जो लंब रही, तो आपतन बिंदु ठारे दुईटी स्वच्छ माध्यम जो व्यवधान पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब रही गोटिए समतल रे रहिबे। तो ताले देखि पारुछ आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि एवं जो लंब एमाने गोटिए समतल रे रही। नेक्स्ट नियम टी कौन अच्छी ना दुईटी निर्दिष्ट माध्यम और गोटे निर्दिष्ट बर्णर आलोक पाई आपतन कोणर साइन एवं प्रतिसरण कोणर साइन रो अनुपात एक स्थिरांक अटे। कौन कहा ना दुईटी निर्दिष्ट माध्यम एवं गोटे निर्दिष्ट बर्णर आलोक माने गोटे बर्णर आलोक होइतिबो अलग बर्ण हो नाया दुईटी निर्दिष्ट माध्यम होइतिबो, ताहले कौन हम ना आपतन कोणर साइन एवं प्रतिसरण कोणर साइन रो अनुपात एक स्थिरांक हम यह स्नेल को प्रतिसरण नियम कहा जाए। आमर जो आलोक प्रतिसरण द्वितीय नियम को स्नेल को प्रतिसरण नियम कहा जाए। तो यही स्थिरांक मूल्य माध्यम द्वयर प्रकृति और आलोकर वर्ण उपर निर्भर करे। तो ताले से माध्यम गुड़िक एका प्रकार होइतिबो निर्दिष्ट होइतिबे एवं आलोकर वर्ण एका प्रकार होइतिबो बा निर्दिष्ट होइतिबो, ताहले कोन हबो ना साइन आई विभक्त साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, अर्थात आमर आई आउ आर, तो आई बढ़िले आर बढ़िबो आई कमिले आर कमिबो, तो ताहले ए दुई जनकर अनुपात सर्वदा समान रहइबो। जदि आई बढ़ाई देबा ताहले आर भी सही अनुसार बढ़ी जिबो, अर्थात तार जो मूल्य होइजिबो ता स्थिरांक हबो समान हबो सबुबेले जदि माध्यम समान होइथाय। ताहले चित्र को देखो एठे एठी आमर देची आमर आई आई केते डिग्री दिया जी 30 डिग्री अच्छी, से भाया एटा आमर आर, तो ये मध्य 30 डिग्री, तो आई ओ आर, तो ए दुई जनकर अनुपात गोटे स्थिरांक हम। आज भिडियोटी आम एठी एंड करवा, आशा करुच्ची भिडियोटी तुम मानक निहाती हेल्पफुल अधिक रु अधिक मात्रा रे भिडियोटी शेयर कर दियो। आम एहीपरी भाव में आग को प्रत्येक चैप्टर को डिटेल आलोचना करवा, तो आज ये पुणी देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।